गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। डिवाइन प्रभु चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम ईश्वर से आपके मंगलमय और हितकारी जीवन की कामना करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको होली के रंगों के बारे में बताने वाला हूँ कि हमें किन रंगों से होली खेलनी चाहिए जो हमारा सुख और सौभाग्य बढ़ाएगा। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। रंगों का त्यौहार होली आने वाली है। इस साल होली 18 मार्च को है। इस दिन लोग एक दूसरे को रंग और गुलाल अबीर से सरोबर कर देते हैं। हर किसी के चेहरे पर लाल, हरे, गुलाबी रंग या गुलाल से रंगे रहते हैं। रंग सुख, सौभाग्य और खुशहाली के प्रतीक माने जाते हैं। इस साल होली के अवसर पर आप वास्तु शास्त्र के अनुसार रंगों का चयन करके अपनी किस्मत को चमका सकते हैं। आइए जानते हैं कि वास्तु शास्त्र के अनुसार किन रंगों से होली खेलने से सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। नंबर 1, गुलाबी रंग। इस रंग से होली खेलने से प्रेम बढ़ता है। आपको अपने जीवन साथी के साथ इस रंग या गुलाल से होली खेलनी चाहिए। इससे रिश्ते मजबूत होंगे। गुलाबी रंग के प्रयोग से व्यक्ति के अंदर संघर्ष करने की क्षमता बढ़ती है। नंबर 2, पीला रंग। पीले रंग से होली खेलने पर प्रेम, सौंदर्य, आनंद में वृद्धि होती है। पीला रंग भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है। पीला रंग गुरु ग्रह का भी प्रतिनिधित्व करता है। इसके प्रयोग से सफलता, यश और कीर्ति में भी वृद्धि होती है। यदि किसी से रिश्तों में खटास हो तो उसके साथ पीले रंग के साथ होली खेलें। यह निराशा को दूर करता है। पीला रंग उत्तर पूर्व दिशा का भी प्रतीक माना गया है। नंबर 3, लाल रंग। लाल रंग या गुलाल से होली खेलने से सेहत और प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। लाल रंग को ऊर्जा और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। इस रंग के प्रयोग से मंगल ग्रह मजबूत होता है। हालांकि जिन लोगों को जल्दी गुस्सा आता है या जो लोग अवसाद में या डिप्रेशन में रहते हैं, उन लोगों को लाल रंग का प्रयोग करने से बचना चाहिए। लाल रंग दक्षिण पूर्व दिशा का प्रतीक होता है। नंबर 4, नीला रंग। इस रंग से होली खेलने पर आरोग्य की प्राप्ति होती है। बीमार लोगों को आप नीले गुलाल लगा सकते हैं। नीला रंग शनिदेव का भी प्रतीक है। इसके प्रयोग से शनिदेव की भी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इसके प्रयोग से सुरक्षा की भावना मजबूत होती है। नंबर 5, हरा रंग। हरा रंग या गुलाल से होली खेलने से सुख, समृद्धि, प्रेम, तरक्की और सेहत में वृद्धि होती है। हरे रंग को समृद्धि, प्रेम, प्रगति और सकारात्मक का प्रतीक माना जाता है। हरे रंग के प्रयोग से बुध ग्रह मजबूत होता है। निर्णय क्षमता, बुद्धि, विवेक में भी वृद्धि होती है। व्यापार में तरक्की मिलती है। प्रेम संबंधों को मजबूत करने के लिए भी आप हरे रंग से होली खेल सकते हैं। इस रंग से जीवन में शांति आती है। हरा रंग उत्तर दक्षिण दिशा का प्रतीक माना गया है। तो दोस्तों, रंगों के बारे में ये जानकारी आपको कैसी लगी? आशा करता हूँ कि आपको आनंद की अनुभूति हुई होगी। ऐसे ही अद्भुत और अलौकिक पौराणिक कथाओं के बारे में जानने के लिए तथा सनातन धर्म के और हिंदू धर्म के देवी देवताओं के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। हमारा भी निरंतर यही प्रयत्न रहता है कि कैसे आपके समक्ष अच्छी से अच्छी और सुंदर से सुंदर वीडियो प्रस्तुत की जाए। हम निरंतर अपने कार्य को अच्छा करने में लगे रहते हैं और आपसे भी उम्मीद करते हैं कि आप भी अपने कार्य को निरंतर अच्छा करने की कोशिश करते रहिए और आप भी निरंतर प्रभु का स्मरण करती रहिए। आपकी भक्ति सच्ची और निष्ठावान होगी तो देर सवेर प्रभु आपकी वंदना को जरूर स्वीकार करेंगे। बस आपको प्रभु पे संपूर्ण विश्वास होना चाहिए। प्रभु अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, लेकिन वो अपने भक्तों की वंदना जरूर स्वीकार करते हैं। तो हम भी ईश्वर से आपके मंगलमय और हितकारी जीवन की कामना करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई पुरानी कथा के साथ। तब तक खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और प्रभु का स्मरण करते रहिए और अच्छे से होली मनाएं।
ठीक है, बाय बाय दोस्तों।